नेक्स्ट है हमारे टेस्ट ऑफ स्टोन्स, ठीक है। तो अगला टेस्ट है हमारा, सबसे पहला आता है हमारा एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं कि मैं ये हमारा जो स्टोन है वो एसिड के रिस्पेक्ट में उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, ठीक है। कि मतलब वो अपने आप से, अगर एसिड टेस्ट है वो अपने आप को मतलब कि इजिली उसकी वियर एंड टीयर चेक करने के लिए टेस्ट होता है एसिड टेस्ट, तो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा सैंपल लेते हैं एसिड, मतलब जो हमारा स्टोन है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। जिसकी पावर होती है 1%, मतलब 1% जो होगा हमारा, अगर 100 ml का हम एसिड ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर मतलब सॉरी, अगर हम 100 ml का कोई सॉल्यूशन ले रहे हैं तो मतलब उसमें 1 ml होगा एसिड और 99 ml होगा वाटर, मतलब इतना 1% होगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ 99% वो डाइल्यूटेड होगा। समझ आया 1% सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, कि मतलब उसमें 1% ही एसिड है, बाकी 99% वाटर है। उसको 7 दिन के लिए हम एक टेस्ट ट्यूब में रख देते हैं, ठीक है। हम पहले उसका और देख लेते हैं उसके बाद में कि हमारा जो स्टोन है उसके बाद में कितना ब्रेक हो चुका है, ठीक है। बेसिकली ये टेस्ट किया जाता है हमारे कैल्शियम कार्बोनेट को जो होता है हमारे, ठीक है, बताने के लिए कि उसमें हमारा जो सरफेस है उसमें कैल्शियम, मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं एग्रीगेट है या स्टोन है उसके सैंपल में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। पता करने के लिए क्या होता है कि जैसे ही आप 7 डेज के बाद उस स्टोन के सैंपल को देखोगे ना, तो उसके सरफेस पे क्या होता है, छोटे छोटे से पार्टिकल्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और सरफेस थोड़ा ब्रेकअप सा होने लग जाता है, तो उसमें पता चलता है कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है। अगला है एट्रीशन टेस्ट, ठीक है। एट्रीशन रेट ऑफ वियर निकालने के लिए होता है। एट्रीशन होता है एक तरह से फ्रिक्शन दो के बीच में, ठीक है। ठीक है, इस टेस्ट में क्या किया जाता है कि हम ग्राइंडिंग, वही हमारा जो ग्राइंडिंग एक्शन होता है, जो हमारा हार्डनेस का टेस्ट था वो ही चेक होता है एट्रीशन में, ठीक है। मतलब एट्रीशन टेस्ट क्या है, एक तरह से वियर एंड टीयर का टेस्ट है। हमारी फ्रिक्शन जो होगी जिसके कारण से हमारा रेट ऑफ वियर होगा स्टोन्स का, वो चेक होता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, हम एग्रीगेट लेते हैं बड़े बड़े साइज के, मुझे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकआउट कर लेते हैं। फिर एक डेवल्स एट्रीशन टेस्ट मशीन होती है, ठीक है, जिसमें कुछ नहीं होता, एक सिलेंडर होता है, ठीक है, एक सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर रोटेट करता है, ठीक है। ये सिलेंडर अब रोटेट करेगा, हम इसके अंदर क्या करते हैं, वो एग्रीगेट्स डाल देते हैं, ठीक है। मान लो हमने 5 kg के एग्रीगेट्स लिए और इसके अंदर डाल दिए, अब हम इसको रोटेट करते रहेंगे, ठीक है। तो हमने वेट नोट डाउन कर लिया, स्टार्टिंग में वेट करना है 5 kg, ठीक है। अब उसके बाद हम इसे रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद इन एग्रीगेट्स के बीच में फ्रिक्शन की वजह से इनका वियर एंड टीयर होगा, ठीक है, वियर एंड टीयर होगा, ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट में हम क्या करेंगे, W2 जो वेट ऑफ द एग्रीगेट है दोबारा नोट डाउन करेंगे, उससे हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज वियर ऑफ द जो भी हमारा स्टोन है उनका परसेंटेज वियर निकालेंगे। मान लो वेट हो गया 4.7 kg, उससे हम निकाल लेंगे 5 - 4.7 / 5 कि कितना परसेंटेज ऑफ वियर एंड टीयर हो चुका है हमारे जो एग्रीगेट्स का सैंपल है। ठीक है, और वो जो हम लास्ट में वेट नोट डाउन करते हैं उससे पहले हम 1.5 mm की सीव से पास करवाते हैं, ठीक है। फिर उससे हम लॉस इन वेट डिवाइड बाय इनिशियल वेट इनटू 100, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ का टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, तीन जो स्टोन्स होते हैं उनके 3 सैंपल लेते हैं, उनको 40 × 40 × 40 में क्यूब में बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 24 घंटे के लिए उन्हें वाटर में रख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उनपे एक थिक प्लाई बोर्ड लगाया जाता है और उनपे जो है लोड लगाया जाता है CTM के थ्रू। CTM होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट से लोड लगाया जाता है, मतलब आपने 3 सैंपल ले लिए 40 × 40 × 40 है, ठीक
है, इस पे एक प्लाईवुड रख देते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन को ऐसे दिखती है, मतलब ये होगा। ठीक है, धीरे धीरे ये ऊपर वाला है नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, रेट ऑफ लोडिंग होती है इसे 140 kg/cm² per minute, मतलब 140 kg/cm² per minute, ये रेट ऑफ लोडिंग है पर मिनट की इसकी। इसके रेस्पेक्ट में इस स्टोन्स पे रेट ऑफ मतलब लोड लगाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक डायल गेज होता है। ठीक है, यहाँ पे डायल गेज जो होता है ये हमें बताता रहता है कि केजी में कितना लोड लगाया, टन में कितना लोड लगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे लिखा होता है वो 10, 20, 30, 40 ऐसे करके लिखा हुआ होता है, जिससे हमें ये पता चलता रहता है कि जैसे जैसे ये वेट है, तो मान लो 40 टन का इसने वेट ले लिया है, तो उस हिसाब से हम इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं कि 40 डिवाइड बाय जो भी हमारा सरफेस एरिया है उनका। ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ सबको समझ में आ गया। बोलो। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। इसमें भी सेम हम वियर और टीयर निकालते हैं कि हमारा स्टोन्स में कितना वियर एंड टीयर आता है। ठीक है, मतलब उसके स्ट्रक्चर्स में क्या-क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, 40 mm का एक इसमें हम 40 mm का भी एक सैंपल लेते हैं, जैसे हमने ऊपर लिया है, उसको 72 आवर्स के लिए ड्राई किया जाता है, फिर उसका वेट मेजर कर लिया जाता है, फिर उसे 14% वाले Na2SO4 वाले सॉल्यूशन में 2 घंटे के लिए डिप किया जाता है, और उसका दोबारा वेट लिया जाता है। अगर वेट में ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, वेट में अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है। ठीक है, और जिसके कारण हमारा डिके हो रहा है। ठीक है, लास्ट हमारा मतलब उससे अगला है फ्रीजिंग एंड थॉइंग टेस्ट। फ्रीजिंग एंड थॉइंग टेस्ट करते हैं हम ये चेक करने के लिए कि हमारे पोर्स में कितना वाटर प्रेजेंट है, और अगर फ्रीजिंग एंड थॉइंग हमारी हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से हमारा जो है रॉक्स है या फिर जो भी स्टोन है उसमें ब्रेक कितना हो रहा है। ठीक है, हम कुछ नहीं करते इसमें, पानी के अंदर को स्टोन को डुबा लेते हैं। ठीक है, उसे फ्रीजिंग टेम्परेचर तक रख देते हैं 24 आवर्स के लिए, फिर उसे दोबारा गर्म किया जाता है, फिर दोबारा ठंडा किया जाता है, फिर दोबारा गर्म किया, ऐसे करके हम थोड़ी देर बाद उसे देखते हैं। ठीक है, और फिर उसके क्या बोल सकते हैं, उसमें क्रैक्स या सरफेस पे उसका टेक्सचर वो चेक किया जाता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग टेस्ट पे, कि अगर कोई क्रैक्स या प्रेजेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट और एट्रिशन टेस्ट एक तरह सेम है, बस मशीन थोड़ी बहुत डिफरेंट यूज होती है। इसमें काम वही होता है कि इसको भी सेम तरह से हम एग्रीगेट लेंगे, एग्रीगेट्स को हम दोबारा जैसे इसमें उसमें डॉवल एट्रिशन टेस्ट मशीन थी, इसमें डोरीज एट्रिशन मशीन होती है। ठीक है, उसके बाद इसे रोटेट करते हैं, रोटेट करते हैं, उसमें इसके साथ सैंड भी डाली जाती है। ठीक है, इसमें होती है सैंड और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं,
सैंड एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो 1000 रेवोल्यूशन के बाद में हम दोबारा जो होता है हमारा लॉस इन वेट जो होता है वो मेजर करते हैं, और 20 माइनस लॉस वेट बाय 3 जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है, इसकी वजह से हमारा हार्डनेस निकलती है। अगर 17 से ज्यादा है तो हमारा हार्डनेस अच्छी है, अगर 17 से 14 के बीच है मतलब हार्डनेस कम है, और अगर 14 से भी कम है तो हमारा वीक जो है हमारा हार्डन नहीं होती, बहुत ही ज्यादा लेस हार्डेंड, हम उस तरह के एग्रीगेट्स को प्रोटेक्ट कर देते हैं। लास्ट है हमारा टफनेस। टफनेस में कुछ नहीं करते, हम एक सिलेंडर बनाते हैं जिसकी डाया होती है 25 सेंटीमीटर और उसकी हाइट भी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके ऊपर एक स्टील हैमर 2 किलो का फॉल करवाते हैं, ठीक है। तो पहले एक बार फॉल करवाएंगे जब उसकी हाइट होगी हैमर की 2 सेंटीमीटर, 2 किलो का हैमर पहले 1 सेंटीमीटर की हाइट से उस पर गिरेगा, फिर 2 सेंटीमीटर की हाइट से गिरेगा, फिर 3 सेंटीमीटर की हाइट से गिराएगा। हम जब तक ब्लोस करवाते रहेंगे जब तक कि वो स्पेसिमेन ब्रेक नहीं हो जाता, ठीक है। और जो एन आता है ना कि मतलब जितने मतलब मान सकते हैं हाइट पे जाके वो सैंपल ब्रेक हुआ है वो हमारी टफनेस रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उससे हमारी टफनेस से इम्पैक्ट इम्पैक्ट निकल गया आता है। लास्ट है हमारा माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। मतलब माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से हम ये प्रेजेंट करते हैं कि हमारा जो मतलब स्टोन है उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है, उसका ग्रेन साइज क्या है, उसमें क्रैक्स प्रेजेंट है या नहीं है, उसके मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ठीक है, उसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है या नहीं है, किस तरह का स्टोन है, उस समय माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से पता चलता है। मतलब इतने टेस्ट ही आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट और एक इंपॉर्टेंट है। बोलो प्रियांशु। नेक्स्ट है हमारा स्मिथ टेस्ट। स्मिथ टेस्ट में कुछ नहीं होता, हम ये चेक करते हैं कि हमारे जो एग्रीगेट्स है स्टोन्स है उसके अंदर कोई सोल्यूबल मटेरियल प्रेजेंट है नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे हम, स्टोन के छोटे छोटे पार्ट्स लेंगे या छोटे छोटे पीसेस लेंगे, उनको पानी में मतलब ग्लास ट्यूब के अंदर पानी में ऐड कर देंगे, उसको रिग्रेसली मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद में देखेंगे कि पानी का कलर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में कुछ नहीं करते कि पानी कितना मतलब जो एग्रीगेट्स हमारा कितना परसेंट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, ये कितना होना चाहिए, 0.6% होना चाहिए टोटल वेट ऑफ द एग्रीगेट का। तो मान लो हमने कुछ भी एक एग्रीगेट ले लिया, स्टोन ले लिया, इसने बोला 50 ग्राम ले लो या कुछ भी ले लो, जो भी आपने सैंपल लिया, मान लो उसका वेट कर दिया W1, उसको 24 घंटे के लिए पानी में इमर्ज कर दिया, ठीक है। उसके बाद में उसे जो पूरा जो हमारा एग्रीगेट्स जो हमने लिया उसको वाइप आउट कर लिया, मतलब एक तौलिया लिया हमने और उससे पोंछ दिया, ठीक है। फिर उसका वेट ले लिया W2, ठीक है। अब उसके बाद में क्या किया, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया उसका W2। उसके बाद हम ये करते हैं कि हम या तो ये करते हैं कि भाई जो अभी हमारा एग्रीगेट है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ओवन ड्राई करते हैं, ठीक है। ओवन ड्राई करने के बाद में हम उसका वेट W3 नोट डाउन कर लेते हैं, उससे हमें ये पता चल जाता है कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब किया है उसने, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि भाई हम जैसे ही उसको डैम्प क्लोथ से वेट आउट कर लेंगे, मतलब डैम्प क्लोथ से उसको साफ करने, मतलब हमने ऊपर के सरफेस का वाटर हटा दिया, तो उसे बोल दिया W2। बेसिकली तो हम यही करते हैं कि अगर जो भी हमारा एग्रीगेट है ना उसका सबसे पहले वेट लेते हैं W1, जो भी उसका वेट है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको पानी में डिबो देंगे 24 आवर्स के लिए, ठीक है, उसको साफ कर लेंगे, ठीक है। और उसको साफ करने के बाद में उन दोनों का वेट का जो डिफरेंस है हम नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। उसके वेट को नोट डाउन करने के बाद में और उन दोनों का जो है परसेंटेज से मान लो,
W1 हमने वेट लिया जो हमारा स्टार्टिंग में एग्रीगेट्स का था, W2 हमने वेट लिया जो 24 आवर्स इमर्ज करने के बाद जो हमने टावल से उससे पूछ के जो वेट लिया, तो W2 माइनस W1 डिवाइड बाय W1 हो जाएगा हमारा परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये कितना पानी परसेंट जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, इससे माने जाएगा परसेंटेज वाटर एब्जॉर्प्शन। हम दोबारा सारे टेस्ट एक बार दोबारा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले था हमारा एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट हम यह चेक कर रहे थे कि हमारे जो जो भी मतलब क्या एग्रीगेट्स है या उसमें है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है एसिड में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया 1% हाइड्रोक्लोराइड जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था वो लिया, उसमें हमारे एग्रीगेट्स के छोटे छोटे चिप्स डाल दिए। ठीक है, उनको 7 डेज के लिए रख दिया। 7 डेज के बाद हमने चेक किया कि भाई हमारा जो है क्या कोई वेट लॉस हुआ है या फिर हमारे एग्रीगेट्स जो है उनके सरफेस पे कोई पाउडर फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, उससे हमें किसे मिला एसिड टेस्ट से। दूसरा होता है हमारा एट्रीशन टेस्ट। एट्रीशन टेस्ट होता है हमारे वियर एंड टीयर चेक करने के लिए। वियर एंड टीयर चेक करने के लिए हमने क्या किया, एग्रीगेट लिया कोई 60 है उन साइज का, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकआउट कर लिया, ब्रेकआउट करके उसका वेट नोट डाउन कर लिया। वेट नोट डाउन करने के बाद में हमने उसे क्या किया, नोट डाउन करने के बाद में हमने उसे डेवल्स एट्रिशन टेस्ट जो मशीन थी उसमें डाल दिया। उसके बाद मशीन क्या हुआ, रोटेट होना स्टार्ट हुई। मशीन रोटेट होती है 30 revolutions per minute। ठीक है, उसके बाद में 5 घंटे बाद हमने उस मशीन को खोला। मशीन खोलने के बाद में हमने उस मशीन के अंदर जो हमारी हमें मटीरियल मिला उसको हमने क्या किया, सीव से पास किया 1.5 mm की सीव से। ठीक है, और उसके बाद जो सीव में वेट रिटेन हो गया उस वेट को लेके हमने परसेंटेज वियर निकाल लिया। कैसे, मान लो आपने 5 kg लिया था सैंपल का वेट इनिशियली, बाद में हो गया वेट 4.7 kg। ठीक है, तो हमारा परसेंटेज वियर आ गया 5 - 4.7, ठीक है, डिवाइड बाय 5। ठीक है, उसका नेक्स्ट था हमारा क्रशिंग। क्रशिंग था, क्रशिंग वाले हम कुछ नहीं कहा, हमने 40 × 40 के सैंपल लिए, उन्हें 1 दिन के लिए पानी में रखा। ठीक है, उसके बाद में हमने उन्हें पानी सूखने दिया थोड़ी देर। सूखने के बाद में हमने उसे CTM के अंदर रख लिया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में, और रेट ऑफ लोडिंग लगाई 140 kg/cm² per minute। नेक्स्ट था क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट में हमने ये चेक कर रहे थे कि उसमें कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है या नहीं। अगर कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट होता है तो ईजिली डिक्की हो जाता है, मतलब कैल्शियम कंपाउंड कोई भी तरह का प्रेजेंट होगा तो उसमें ईजिली डिक वेदरिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमने उसमें एक Na2SO4 सॉल्यूशन लिया जिसकी स्ट्रेंथ थी 14%। ठीक है, उसके बाद में हमने उन्हें क्या किया, उसमें इमर्ज किया हमारे सॉल्यूशन में 2 hours के लिए। ठीक है, और उसके बाद में हमने डिफरेंस इन वेट नोट डाउन कर लिया। ठीक है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग टेस्ट में हमने उसमें पहले पानी में उसे इमर्ज किया, फिर उसे फ्रीज कर दिया, फिर उसे थॉ करवाया हाई टेम्परेचर पे, और इस फ्रीजिंग एंड थॉइंग से हम देख रहे हैं कि उसके बीच में कोई क्रैक्स है सरफेस पे, कोई तरह का भी वॉइड्स प्रेजेंट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हार्डनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट से हमने ये किया कि 25 × 25 का एक सिलेंडर लिया, इसकी डायमीटर 25 है और हाइट भी 25 cm, उसको डेवल्स एट्रिशन टेस्टिंग मशीन में डाला, हमने उसका वेट कर लिया था। इसके बीच में हमने सैंड भी डाली इसमें, सॉरी डोरीज टेस्टिंग मशीन होती है, इसमें हमने सैंड भी डाली 1000 revolutions के लिए, उसे रोटेट किया, और उसके बाद में जो वेट लॉस आया उससे हमने 20 - loss in weight / 3 से हमारी हार्डनेस आ गई। इम्पैक्ट टेस्ट किया, इम्पैक्ट टेस्ट में हमने वही सिलेंडर लिया 25 × 25 का, उसे 2 kg के हमने वेट का एक हैमर लिया, उसको पहले 1 cm की हाइट से ड्रॉप किया, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, 5 कैसे करते गए।
ठीक है, इसमें माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, हमने माइक्रोस्कोप से पूरा उसका स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। स्मिथ टेस्ट में ये था कि उसमें कोई डिजोल्वेबल कंपाउंड प्रेजेंट है या नहीं, मतलब कोई सोल्यूबल कंपाउंड प्रेजेंट है नहीं, उसके लिए हमने कुछ ले लिया, पानी में डाला और बाद में उसका कलर देख लिया। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में कुछ नहीं किया, 24 आवर्स के लिए वाटर में उसे डाला और उसका उसका वेट नोट डाउन कर लिया और फिर दोनों को माइनस करके देखा कि परसेंटेज कितना उसने वाटर एब्जॉर्ब किया है। अब हमने देखा था कि क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है, हमने स्टार्टिंग क्वालिटीज ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन में 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होनी चाहिए, 1000 kg/cm² लिखती है। अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, अपीयरेंस मतलब ऐसी होनी चाहिए कि अपना कलर लूज ना करे, हम उसमें इजिली जो है उस पर काम कर सकें, ठीक है। ड्यूरेबल, लॉन्गर टाइम के लिए ड्यूरेबल होना चाहिए। फैसिलिटी ऑफ ड्रेसिंग, फ्रैक्चर हार्डनेस के बारे में हमने देख लिया है, परसेंटेज वियर भी देख लिया है, रेजिस्टेंस के लॉन्ग फायर भी होनी चाहिए, सीजनड होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर सीजनिंग का मतलब होता है उसमें कोई मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक कर ली थी कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड सब्सटेंस, और स्टैंडर्ड सब्सटेंस होता है हमारा वाटर, ठीक है। उसके 2.7 से ज्यादा होना चाहिए, टेक्सचर उसका क्रिस्टलाइन होना चाहिए, टफनेस इंडेक्स 19 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन 0.6% ऑफ टोटल वेट से लेस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोरिंग, अभी